देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सब्र, संयम और धैर्य भले ही तीन अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इन तीनों शब्दों का अर्थ एक है। इंसान की जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जहां यही तीन शब्द उनकी परीक्षा लेते हैं, और जो इस परीक्षा में पास हो जाता है उसे इसका फल भी जरूर मिलता है। ऐसे ही एक किसान की कहानी हम आपको बताने वाले हैं, जिसके संयम ने आज उसे एक मामूली ऑटो ड्राइवर से लखपति किसान बना दिया है। 57 साल के अमर सिंह आज उन हजारों किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं जो धान गेहूं से हटकर बागवान के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं। किसान अमर सिंह ने करीब 22 सालों पहले अपनी 2 एकड़ की जमीन में 1200 रुपए के 60 आंवले के पौधे लगाए थे, जिसका फल उन्हें 22 सालों बाद अब जाकर मिला है। आज उन्हीं 60 आंवले के पौधों ने उन्हें ऑटो ड्राइवर अमर से लखपति किसान अमर सिंह बना दिया है। साल 1977 में जब अमर सिंह के पिता की मृत्यु हुई, तब घर का बड़ा बेटा होने के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। 2 छोटे भाई 1 बहन के चलते घर का सारा जिम्मा उनके सिर पर आ गया। किसान अमर सिंह के पिता भी किसान ही थे, जिसके चलते पिता के जाने के बाद अमर सिंह ने भी खेती बाड़ी संभालना शुरू कर दिया। मगर उस वक्त खेती से लोगों को कुछ खास आमदनी हासिल नहीं होती थी, जिसके कारण अमर ने खेती छोड़ ऑटो चलाना शुरू कर दिया। मगर इस काम में भी किसान अमर सिंह का मन ना लगा। साल 1985 में वे अपने ससुराल के ही एक रिश्तेदार के पास अहमदाबाद चले गए, जहां उन्होंने मणिनगर में एक फोटो स्टूडियो खोल लिया। लेकिन जब अमर सिंह मणिनगर में काम संभाल रहे थे, तब राजस्थान में खेती बाड़ी संभाल रही उनकी मां की तबीयत खराब होने लगी, जिसके कारण उन्होंने अमर को पत्र लिखकर वापस गांव बुला लिया। लेकिन गांव पहुंचकर किसान अमर सिंह ने खेती करने की बजाय एक महिंद्रा वैन ले ली और उसे लोकल में ही चलाने लगे। साल 1995 में जब रोज की ही तरह किसान अमर अपनी वैन में सवारियों को ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें सड़क पर पड़ा एक अखबार का टुकड़ा मिला, जिसमें आंवले की खेती के बारे में जानकारी लिखी हुई थी। अमर सिंह इस जानकारी को पढ़कर आंवले की खेती से बहुत प्रभावित हुए और तब उन्होंने आंवले की खेती करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। आसपास से हर जगह जगह उन्होंने आंवले की खेती के बारे में जानकारी प्राप्त की और भरतपुर में बागवानी विभाग में एडवांस पेमेंट करने पर उन्हें आंवले के 60 पौधे मिल गए। उन्होंने इसे अपनी 2 एकड़ की जमीन पर रोप दिया। इसके 1 साल बाद उन्होंने 70 पौधे और खरीदे और उन्हें भी रोप दिया। उनकी जमीन उपजाऊ किस्म की थी, इस कारण सिर्फ 4 से 5 सालों के भीतर ही उनके सारे पेड़ बनकर तैयार हो गए और कुछ ही दिनों में फल भी देने लगे। किसान अमर सिंह के रोपे गए कुछ पेड़ों में 5 किलो तक आंवला निकलता था, तो कुछ में 10 किलो तक। इससे सिर्फ 1 साल में ही उन्हें 7 लाख की आमदनी हुई। हालांकि अपनी मेहनत और सब्र का फल उन्हें मिल गया था, मगर आंवले की अच्छी मार्केट तलाशने के लिए वे मथुरा, भुसावर और भरतपुर के उन इलाकों में गए जहां पर आंवले के मुरब्बे का उत्पादन होता था। के बाद साल 2005 में अमर ने 5 लाख के निवेश से खुद की एक फैक्ट्री खोल ली। इसके लिए उन्हें ल्यूपिन फाउंडेशन की ओर से 3 लाख रुपए भी मिले। उन्होंने पहले साल लगभग 7,000 किलो आंवले का मुरब्बा तैयार किया। इस काम में उन्होंने गांव की महिलाओं की मदद भी ली। इतना ही नहीं, उन्होंने अमृता ब्रांड से मुरब्बा बेचना शुरू किया और राजस्थान के कुम्हेर, भरतपुर, टोंका, डीग, मंदवार, महवा जैसे इलाकों में मुरब्बा बेचा। इसके बाद धीरे धीरे किसान अमर सिंह का व्यापार बढ़ता ही चला गया। साल 2012 में अमर सिंह ने अपनी यूनिट का फिर से रजिस्ट्रेशन कराया और कंपनी का नाम अमर मेगा फूड प्राइवेट लिमिटेड रख दिया। उनकी कंपनी में आंवला उगाने से लेकर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन के सारे कामों पर उनकी नजर रहती है। हर साल लगभग 26 लाख से अधिक रुपए का टर्नओवर होने के बावजूद अमर सिंह काफी सादगी से जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन अब आंवला उगाने के साथ ही बची हुई जमीन पर वे मिर्च, टमाटर और आलू की खेती भी करते हैं। किसान अमर सिंह ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर ये साबित कर दिया कि पैसे पेड़ पर उगाए नहीं जा सकते, लेकिन पेड़ के जरिए कमाए जरूर जा सकते हैं। देखिए ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।